हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला लेसन थ्री, मानवीय अस्तित्व और प्रकृति। इस चैप्टर में पहले मैं आपको अध्याय परिचय बता देती हूँ। यह निबंध काका साहिब के प्रकृति प्रेम का अनूठा उदाहरण है। काका साहिब हैं जो कि प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में प्रकृति के बारे में कुछ बताया है कि मानव जाति कैसे प्रकृति को क्षति पहुँचाती है, कैसे मनुष्य को प्रकृति के प्रति अपना प्रेम दिखाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वह प्रकृति की गोद में एक बालक होता है। वैज्ञानिक प्रगति की अंधी दौड़, शहरीकरण और स्वार्थपरता बढ़ाने के कारण मानव प्रकृति के साथ अपने संबंधों को भूलने लगा है। इन्हीं संबंधों के प्रति उसकी सोई चेतना जागना इस पाठ का उद्देश्य है। इस कहानी में हमें काका साहिब के महसूस किए हुए कुछ पल बताए गए हैं। एक बार वे अफ्रीका के जंगलों में जाते हैं, वहाँ के जानवरों को देखते हैं, वहाँ का पूरा व्यवस्थित वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। इस प्रकार एक दो स्नेहियों ने कहा भी और लिखा भी है। इसमें उन्होंने जानवरों के प्रति अपना दुख जताया है और शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया के बारे में भी बताया हुआ है जो कि मानव ने बनाई है। और मानव पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, जो कि हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। हमें जानवरों के प्रति प्रेम करना चाहिए और अपनी प्रकृति के लिए विचार करना चाहिए। इसी माध्यम से काका साहिब ने प्रकृति के विचारों का वर्णन अपने माध्यम से किया है, हमें बताया है, जिससे हम प्रकृति के प्रति प्रेम कर सकें और पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रख सकें।